वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँ। ये दूसरा चैप्टर हिस्ट्री का, देखिएगा मैं कई किताब से आप लोगों को करा रहा हूँ, कई प्रश्न आपका टेली करेगा और लगातार प्रैक्टिस इतना करा देंगे कि निश्चित रूप से आप वीडियो देख करके ही सारे दोस्तों से बेहतर नंबर लाइएगा, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। मैं आज फिर आपको समाजवाद एवं साम्यवाद हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन नंबर लेकर पास कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं पास करना ही एक मकसद नहीं है बल्कि मेरिट लिस्ट में ऊपर होना सबसे बड़ी सीनियरिटी है। आप जानते हैं कि बीपीएससी टीचर जो भी बन रहे हैं, सीनियरिटी क्या होता है, ज्वाइन कर लेने से कोई सीनियर नहीं हो जाएगा आगे पीछे, बस सीनियरिटी मतलब मेरिट लिस्ट में जो आगे है वही होगा सीनियर। इसलिए दोस्तों ये सीनियर और जूनियर का बहुत ज्यादा, सीनियर का बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए कि उसी के आधार पर आपका जो है प्रमोशन होगा, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि आप मेरिट लिस्ट में टॉप पे आए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। रूस में फरवरी क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा 1917 ईस्वी में, यानी रूस में जो फरवरी क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी आपको यह पूछा जाता है रूसी क्रांति कब हुई थी, तो फरवरी 1917, नवंबर 1917, इस तरह से पूछा जाता है। राइट आंसर आपको मारना है फरवरी 1917, इसलिए उसको फरवरी क्रांति भी कहा जाता है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूमा कहा जाता है, यानी रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है दोस्तों। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 1883 ईस्वी में हुई थी। रूस का पहला साम्यवादी था? राइट आंसर होगा प्लेखानोव, यानी रूस का पहला साम्यवादी का नाम था प्लेखानोव, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति के समय किसका शासन था? राइट आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय का शासन था। रूस को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? राइट आंसर होगा सितंबर 1917 में रूस को गणतंत्र घोषित किया गया था। रूस में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1904-5 में हुआ था। रूस में किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर होगा रोमानोव, यानी रूस में किस राजवंश का शासन था? राइट आंसर इसका होगा रोमानोव। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। जार निकोलस ने ड्यूमा को भंग करने का आदेश कब जारी किया था? राइट आंसर होगा 11 मार्च 1917 ईस्वी को। जार निकोलस को कब सिंहासन त्यागना पड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1917, यानी 15 मार्च 1917 को जो है ये जार निकोलस को सिंहासन त्यागना पड़ा था। जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी में की थी। लेनिन ने आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? अभी अभी हुआ 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। लेनिन द्वारा कामिस्टर्न की स्थापना कब की गई थी? ये भी आपको बहुत बार पूछा जाएगा, जा सकता है ये 1919। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन, ये भी आपको याद रखना है। चेका क्या है? ये पुलिस दस्ता का नाम है चेका। उसके बाद चेका का गठन किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, यानी चेका का गठन किसने किया दोस्तों? ये लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? राइट आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा लेनिन ने किया था। बेस्ट लिटावस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। देखिएगा साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, आपको ये दोनों नाम याद रखनी है।
अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो काल मार्क्स आप मार सकते हैं। उसके बाद देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, राइट आंसर 1848 ईस्वी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, राइट आंसर होगा रूस के अंदर हुआ था। स्वप्रदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, राइट आंसर ओवेन यानी कि रॉबर्ट ओवेन, ये आपको याद रख लेनी है। मैं आपको एक बार बता दूं कि यदि आप फाइनल इसका रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसका पीडीएफ यदि लेना चाहते हैं तो मात्र 149 रुपये पेड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर से, हमको मेरे मोबाइल नंबर जिसमें आप फोन पे कीजिएगा 9801515516 पर आप जो है मैसेज कीजिएगा। मैं सारा पीडीएफ जितना हो चुका है और जितना होने वाला है उन तमाम चीजों का पीडीएफ जो है आपके मोबाइल आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा दोस्तों मात्र 149 रुपये में टोटल। इसके अलावे यानी वीडियो के अलावे और जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है जो आपको बेहतर रैंक दिला पाएगा उन तमाम नोट्स को भी मैं आपको 149 रुपये में ही प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। 149 रुपया जहां बैठिए वहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन आप इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में खर्च कीजिए तो निश्चित रूप से आपका लाइफ में बेहतरीन रिजल्ट आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में भी आप मोबाइल नंबर मेरा देख सकते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का क्या नाम था, यानी कि स्टालिन जो है कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, तो ये महासचिव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये किसने की थी, तो एमन रॉय। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर 1 मई को मनाया जाता है। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, राइट आंसर दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1864 में लंदन में हुई थी। उसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889 में पेरिस के अंदर। तीसरा इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में मास्को के अंदर हुई थी। भूमि शांति और रोटी ये तीन नारे कहाँ पे दिया गया, किसने दिया था, तो लेनिन ने दिया था दोस्तों। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार की घटना हुई थी। रास्पुटिन कौन थे, इसका राइट आंसर होगा भ्रष्ट पादरी को रास्पुटिन कहा जाता था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने तैयार किया था। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कामिस्टन की स्थापना कब हुई, किसने कहाँ पे हुई थी, तो मास्को यानी रूस की राजधानी मास्को में हुई थी। उसके बाद वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, राइट आंसर कार्ल मार्क्स ने की थी। नई आर्थिक नीति यानी कि NEP का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लेनिन को माना जाता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था, राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था, फरवरी की क्रांति के नाम से। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 1917 की क्रांति काल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था, केरेंसी की, ये आपको याद रख लेनी है। दास कैपिटल की रचना किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था, जर्मनी के अंदर हुआ था। वार एंड पीस के लेखक कौन थे, लियो टॉलस्टॉय। उसके बाद देखिए यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स नहीं था। उसके बाद लाल सेना का गठन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रॉट्स्की ने किया था, यानी लाल सेना का गठन किसने किया, ट्रॉट्स्की। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं 8 से 9 मिनट के अंदर मैं आज आप लोगों को 54 प्रश्न करा दिया हूं। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 9801515516 पर आप अपना ये 149 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सारा पीडीएफ ले लीजिए और पीडीएफ का प्रिंट ले लीजिए दोस्तों, और लगातार बैठ करके रिवीजन मारिए। बार बार वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ ले लीजिए और रिवीजन करने की दृष्टि से ले लीजिए दोस्तों मात्र 149 रुपये में। तो आज के वीडियो में इतना ही, यदि हमारा मटेरियल आप लोगों को लाभदायक लगे यूजफुल लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।